मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की क्लास में जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेंगे जिससे आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। देखिए होता क्या है कि कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश टू कैश रहता था, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों रहता था। लेकिन जो बीआरएस बनेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो आपका बनेगा, उसमें कैश वाला कॉलम जो होगा ना उसका कोई रोल नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, कैश वाले कॉलम का कोई रोल नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे कैश वाले कॉलम को हम क्रॉस कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। कैश वाले कॉलम का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम पर फोकस करना है। कैश बुक के किस कॉलम पे? बैंक कॉलम पे फोकस करना है, क्लियर है। अब देखिए क्या है कि मान के चलिए कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। बैंक में अगर हम पैसा जमा करेंगे तो क्या होता है, एंट्री क्या होगा? अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री होगा कि हमारे पास मेरा एसेट क्या होगा, एप्रिसिएट करेगा, एसेट बढ़ेगा और बैंक के ऊपर लायबिलिटी खड़ी होगी। तो अगर बैंक में पैसा हम जमा करेंगे तो हमारा एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हम उसको डेबिट करेंगे, मेरे लिए वो एसेट है। और बैंक के लिए क्या है, वही चीज क्या हो जाता है, बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, क्लियर है। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वो मेरा एसेट होगा, उसको डेबिट साइड दिखा देंगे। अब वही चीज क्या होगा, बैंक के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। ऐसा आपको पता भी होगा पहले से कि एसेट्स जो होता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है। एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करता है तो डेबिट, क्लियर है। तो बैंक में पैसा जैसे ही हम जमा करते हैं तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी होती है कि जब जब हम उसको ऑर्डर करेंगे तो उसको पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही मेरे लिए एसेट होगा तो हम उसको डेबिट करके दिखाएंगे, और वही चीज क्या होगा, बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाएगा तो क्रेडिट करके दिखाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। तो कैश बुक आप लोगों को पता होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम ये बिजनेस मैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, हम लोग मेंटेन करते हैं कैशबुक का बैंक कॉलम। अब पासबुक जो होता है वो रहता है हम लोग के पास, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग कौन करता है, बैंक करके देता है, इसलिए पासबुक को हम लोग बैंक बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बोलते हैं कि हम सारा रिकॉर्डिंग कैशबुक में कर लेते हैं और बैंक भी अपना सारा कर लिया, और किसी कारण से डिफरेंसेस आ रहा है तो बैंक स्टेटमेंट जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक से पासबुक को मिला लेते हैं। यही काम करना होता है बीआरएस में, क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट से मैच कराना है और क्रेडिट को डेबिट से मैच कराना है, यानी कैश बुक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट, ठीक है, और कैश बुक का क्रेडिट बैंक का डेबिट, यही बीआरएस में मोटा मोटी यही सारा चीज है, ठीक है ना। सारे चीजों को देखिए, समझिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइए। थैंक यू।